राम राम सभी ने। आज की वीडियो जो है भारत के जो हैं फिल्म निर्देशक और आजकल ये जो काफ़ी चर्चा में हैं पटकथा लेखक निर्माता और कार्यकर्ता हैं। बात कर रहे हैं हम द कश्मीर फाइल्स के जो हैं निर्देशक की। नाम है इनका विवेक अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री जो हैं भारतीय फिल्म अभिनेत्री पल्लवी जोशी के जो पति हैं, जिन्होंने फिलहाल भारत की जो सबसे विवादित फिल्म द कश्मीर फाइल्स में जो है अभिनेत्री की भूमिका निभाई है। 2019 तक वह भारत की केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के जो हैं सदस्य और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में जो है भारतीय सिनेमा और सांस्कृतिक प्रतिनिधि रहे हैं। हाल ही में वह अपने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर मीडिया में जो चर्चा पर बने हुए हैं। उनको कपिल शर्मा शो ने जो है आने से मना कर दिया था और उनकी फिल्म को लेकर कश्मीर में मार पिटाई भी देखी गई। आइए जानते हैं विवेक अग्निहोत्री के जीवन परिचय के बारे में। पूरा नाम जो है विवेक अग्निहोत्री, विवेक रंजन अग्निहोत्री। जन्मदिन जो है 21 दिसंबर 1973 को। जन्म स्थान जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश भारत में हुआ था। 48 साल के हो चुके हैं। शिक्षा की बात करें तो विज्ञान में स्नातक ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का जो इन्होंने कोर्स कर रखा है। स्कूल का नाम जो है हार्वर्ड एक्सटेंशन स्कूल। कॉलेज का नाम जो है भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से किया हुआ है इन्होंने। भारतीय नागरिकता इनके पास। गृह नगर जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश। हिंदू धर्म से रिलेटेड है। 5 फुट 9 इंच जो है इनकी हाइट है। वजन 64 किलोग्राम। पेशा है फिल्म निर्देशक पटकथा लेखक एवं निर्माता। पहली फिल्म थी इनकी चॉकलेट, निर्देशन किया था इन्होंने। इनका जन्म जो है स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के पुत्र हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा जो भारतीय समाज में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने जो है नए भारत के निर्माण में भाग लेने के लिए जो है भारत लौटे थे। विवेक ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए जो है धन जुटाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सामाजिक आंदोलन भी किया था। बेटी का नाम जो है मालिका, पुत्र का नाम जो है मनन। उन्होंने जो खुद को जो है नरेंद्र मोदी का समर्थक भी बताया है। विवेक ने अपनी पत्नी के साथ मैं बुद्ध फाउंडेशन की जो स्थापना की है। यह NGO वंचित युवाओं को रचनात्मक सोच में सलाह और ट्रेनिंग देता है। विवेक अग्निहोत्री ने जो करियर की शुरुआत विज्ञापन एजेंसियों ओजली और मैकेनन जैसी दुनिया की जानी मानी एजेंसियों में काम किया। मैगी, नेस्ले, P&G, जिलेट, कोका कोला आदि के प्रमुख अभियानों का भी जो है इन्होंने नेतृत्व किया। विवेक अग्निहोत्री जिलेट और कोक की लॉन्च टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने जो है दिल्ली में अपना खुद की विज्ञापन एजेंसी आर्ट बीट शुरू की थी, जो टूडे द्वारा जो है बिजनेस टुडे द्वारा 10 सबसे तेजी से बढ़ती कंपनियों में से उनको चुना गया था। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने भारत में सामाजिक न्याय पर एक पुरस्कार विजेता वृत्तचित्र बनाया। विवेक रंजन अग्निहोत्री की एड्स पर जो है सार्वजनिक सेवा विज्ञापन फिल्म ने उन्हें रचनात्मक कला और समाज में योगदान के लिए A&M गोल्ड अवार्ड और एड क्लब भी जीता था। विवेक रंजन अग्निहोत्री TV शोज का भी जो है निर्माण करते हैं। उन्होंने 300 घंटे से अधिक का निर्देशन और निर्माण भी किया है। विवेक थ्रिलर किंग के नाम से भी जो है मशहूर हैं। विवेक वर्तमान में 1990 में जो है कश्मीर हिंदुओं के नरसंहार पर एक माँ का हुआ फिल्म द कश्मीर फाइल्स बना रहे हैं। विवेक ने नरसंहार की पहली पीढ़ी के पीड़ितों के प्रशंसा पत्र रिकॉर्ड करने के लिए दुनिया भर की यात्रा की। यह फिल्म 2022 में रिलीज हो चुकी है, लेकिन लॉकडाउन के कारण जो ये 21 में होनी थी नहीं हो पाई थी। और द कपिल शर्मा शो ने जो है मना कर दिया था। इसके बाद ट्रोलिंग के कारण ये फिल्म जो चर्चा में आ गई थी।
वीडियो आपको अच्छी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।